कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कप केक है। कैसे हो सब? What's up? कितने दिनों बाद अपन सब ऐसे बातें कर रहे हैं, बताओ। बहुत दिन हो गए। पहले आ जाओ सब, लाइव आ जाओ, फिर साथ में बातें करेंगे। चीनू 8907 कह रहे हैं ये ना दा दा, और एक वैसा था ना, एक और स्माइली उन्होंने बनाया, मतलब इमोजी बनाया। मीरा कोंदे, हेलो मीरा कोंदे, हाय प्रियांशी, हाय दत्ता चौधरी, कैसे हो भाई? दत्ता चौधरी भाई अपने सीनियर थे आर्मी टीम में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था। और कैसे हो भाई यार आप? नमन, हाय सर, हाय नमन, मैं एकदम अच्छा हूँ। दत्ता भैया आप कैसे हो? और वंश जैन कह रहे हैं, उन्होंने मतलब कहा नहीं है कुछ, उन्होंने कुछ इमोट आइकन्स भेजे हैं। इनोसेंट बॉय हिमांशु, हेलो सर, हेलो भाई। राधा कानो, हेलो बंटी, हेलो साक्षी अरुदेव, है ये सर प्लीज पलक सॉन्ग टू लाइंस। अरे बिल्कुल, बहुत दिनों बाद अपन सब साथ में ऐसे आए, तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगा मैं तुमको भी और मुझको भी। गाने भी सुनाऊंगा और बहुत सारी बातें भी करेंगे अपन सब साथ में मिलके। स्नेहल, योर वॉइस इज अमेजिंग, थैंक यू। भूमि डीजेड, हाय। प्राची मिश्रा, हाय। ऋतिक वर्मा, क्या हाल है सर? एकदम बढ़िया है जी। और अब सब लाइव आई गए हो काफी सारे, तो बताता हूँ अपन हैं अभी जयपुर में। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, तो अपन यार अराउंड 18th मार्च को मैं आने वाला था जयपुर, पर मैं 19th मार्च को आ पाया था, क्योंकि 18th मार्च वाली फ्लाइट फुल हो गई थी। तो मैं जयपुर आ गया था 19th ऑफ मार्च को, और तब से मैं यहीं पर हूँ मॉम डैड भाई बहन के साथ में, जयपुर की प्यारी सी जगह पे। और सबसे प्यारी बात यार, क्वारंटीन में कैसे स्पेंड कर रहे हो, तो यही मैं प्रियन बताने वाला था कि सबसे प्यारी बात मुझे तो यही लग रही है यार क्वारंटीन की, कि अपन यार सबके सभी अपन, आई होप आप सब भी अपनी फैमिली के साथ में होंगे। और काफ़ी टाइम बाद मुझे सबके साथ में इतना टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, तो हम साथ में मूवीज देखते हैं, और अभी टीवी सीरीज ऐसे देख रहे थे, मम्मी के हाथ का खाना मिलता है, कभी कभी पापा भी बना देते हैं, भाई भी बना देता है, मेरे को कुछ बनाना आता नहीं है, तो मैं क्या इन चीज़ों से आज़ाद हूँ। हाँ, मैंने मम्मी को यही ज़रूर कहा है कि मैं बर्तन धोने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पर मम्मी कहती है बेटा तो तुमसे ना हो पाएगा, तो इस काम से भी मम्मी ने मेरे को क्या थोड़ा दूर भगा दिया। तो आज मैं उनको गाने वाने सुनाकर एंटरटेन कर रहा था। भाई का गिटार है ये, मेरा गिटार तो मुंबई में पड़ा हुआ है अभी, तो भाई के गिटार से मैंने मस्त उनको गाने वाने सुनाए, कहा कि आपकी जो इच्छा हो, आपकी जो पसंद के गाने हो बता दो मुझे। तो ऐसे अपन मजे कर रहे थे। और तुम सब बताओ, तुम सब कैसे हो? घर पे ही हो ना, बाहर निकल थोड़ा रहे हो ज्यादा, निकलना भी मत यार अभी, बहुत जरूरी अपन सबका। थोड़े दिन और बात है, थोड़े दिन की और बात है, हो सकता है थोड़े दिन लगे, हो सकता है थोड़े और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगे, जितना भी टाइम लगे सब साथ में अपन मिलके ना इसको हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को। पर बस घर में ही रहना, और कोशिश ये करना कि जो तुम्हारे जिनको तुम जानते हो ना, उनको भी घर से बाहर निकलने के लिए कहना मत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर जा सकते हो, जैसे कुछ सामान लेने के लिए एसेंशियल और उस तरह की चीज़ें। बाकी तो घर में रहो, आराम से मजे करो। और गुलफासा मंसूरी कह रही है, कैसा चल रहा है लॉकडाउन में? बस यार मैंने अभी बताया था, गुलफासा गुलफशा मॉम डैड भाई बहन के साथ में हूँ अपने यहाँ फैमिली के साथ में जयपुर में। अलग ही माहौल है यार, इतनी शांति मैंने कभी देखी नहीं यार, मतलब रोड्स पूरी खाली। और बहुत प्यारी बात है कि हमारे यहाँ पे ना लोग लॉकडाउन को अच्छे से मतलब मान रहे, यहाँ पे गाड़ियां नहीं दिखती है मुझे, कोई जाता हुआ नहीं दिखता है, और अच्छी बात है यार, ये सब साथ में मिलकर ही अपन कर सकते हैं देखो इसको हैंडल, अकेले के बस की बात नहीं है ये। हाय तन्या गौड़, हाय मयंक,
दीवानी साइकी सर कब न्यू सॉन्ग आएगा? अरे यार मैं तो चाहता था, इनफैक्ट मैं क्या हमारी पूरी टीम चाहती थी कि नया सॉन्ग जल्दी आए, लेकिन उसका ऑडियो ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन वीडियो शूट करने के टाइम पे थोड़ा लॉकडाउन हो गए, तो इसलिए अपन सब अभी वेट कर रहे हैं। और बाकी मैंने ना टेड टॉक पे अपने दो सॉन्ग्स गाए थे, अरे ओ सुकून और माखन चोर। तो आप सबने सुने हैं क्या वो दोनों सॉन्ग्स? किस किस ने सुने हैं मुझे बताओ कमेंट में, किस किस ने अरे ओ सुकून और माखन चोर सॉन्ग्स सुने हैं जो अपन ने टेड टॉक में गाए थे? साकेत जलन कह रहे मोहित भैया, यशिता गांधी चीनू कैसी है यशु, प्रियंका पारेख यार मैंने भी हाय बोला है। हाँ यार प्रियंका मेरे को जस्ट अभी आपका मैसेज दिखा। अंकित सोनी मैंने सुने हैं सर, स्वीट डॉल कह रही है मैंने भी सुना है, पलक बंसल ने भी सुने हैं। अरे विक्रम भैया कैसे हो विक्रम भैया, यार बताओ विक्रम भैया। अच्छा मैं आप सबको, आप सब शायद जानते होंगे, लेकिन विक्रम भैया वो इंसान है जिन्होंने अपना पलक सॉन्ग को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, और अपने बड़े भैया भी हैं, अपने प्रोड्यूसर भैया भी हैं, अपने डायरेक्टर भैया भी हैं, और मेरे लाडले भी हैं। और कैसे हो यार विक्रम भैया बताओ, आप भी लाइव आ जाओ साथ में, मैं तो कह रहा हूँ। देखता हूँ विक्रम भैया भी लाइव आ सकते हैं या, चेक करते हैं। तो विक्रम भैया ने ना सिर्फ अपने गाने, लेकिन आप सब ने 2018 का सबसे जो वायरल सॉन्ग था तेरा घाटा, वो भी विक्रम भैया ने ही डायरेक्ट किया था, अपने गजेंद्र भैया का सॉन्ग है वो। और विक्रम भैया हैं क्या, रुको देखो, अरे मिल गए अब तो विक्रम भैया आपको ही लाइव लूंगा मैं। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। व्यूअर्स अरे यार विक्रम भैया आप लाइव नहीं आ पा रहे हो, ऐसा क्यों, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, शायद कुछ तकनीकी डिफिकल्टीज। और डार्लो आईपू कह रहे हैं कोलकाता कब आओगे आप? यार अभी तो मैं घर के बाहर भी नहीं जा सकता, कोलकाता तो कैसे आऊं बताओ। घर के बाहर भी जाता है तो मतलब भाई चला जाता है थोड़ा सामान वामान लेने, कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ। जानवी कह रहे हैं फिर मुझे दिल से पुकार तू कलाकार। आकाश हेलो, दीपक गुर्जर हाय, उफ आपकी वॉइस, अरे थैंक यू यार। प्राची श्रीवास्तव प्लीज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ईगरली। कृति गौड़ हाय, कीर्ति गौड़, वर्षा महा हाय, अर्पी पांडे हैप्पी रामनवमी सर, आपको भी हैप्पी रामनवमी। सुरभि कोटा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए उसकी लाइव की, रुको एक मिनट मैं चेक करता हूँ, गो लाइव विद, एक तो इतने दिन बाद अपन कर रहे हैं ना ये लाइव चैट, तो मेरे को क्या थोड़े से समझ में भी नहीं आते कुछ चीजें। चलो बताओ कौन कौन लाइव जाना चाहता है, जो भी लाइव जाएगा, जो भी लाइव आएगा ना उसको गाना पड़ेगा एक सॉन्ग, तो कौन सा सॉन्ग होगा अपन? ठीक है अभी मैं उसको लाइव लूंगा साथ में जो गा के मुझे सुनाएगा कपकेक सॉन्ग, ठीक है एक एक करके अपन ऐसे लाइव लेते जाएंगे। कपकेक सॉन्ग जो जो सुना सकता है मुझे लाइव पे सबसे पहले भिड़ते पहले, मतलब पहले आप सबको कैसे लाइव का अपन क्या रूल करेंगे अभी कि आपको अपना नाम बताना है, कहाँ से हो, कौन सी सिटी से हो, और फिर सबसे बस ये बताते ही गाना सुनाना है मुझे। तो जो जो मुझे कपकेक सॉन्ग सुना सकता है लाइव पे वो अभी की अभी रिक्वेस्ट भेजो, फिर मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, ऐसे ऐसे करके अपन और सॉन्ग्स का ऐसे लाइव लेंगे सबको गाने सुनाने के लिए। मेरे से तो सुनते हो आज, खुद से सुनो गाने, मतलब एक दूसरे से सुनो, ठीक है। तो मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, टन टन टन। कौन सुनाएगा मुझे, क्या आप मुझे सुनाएंगे कब? हाय अंशिका क्या, अरे अभी नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है शायद,
हाय अंशिका, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे देख सकते हैं? हाय हैंग हो रहा है ना यार? हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, पर क्या आप मुझे कपकेक सॉन्ग सुनाएंगे गा के? नहीं अरे यार, तुमने तो चैलेंज का वो कर दिया। मतलब चलो कोई ना। अंशिका कहाँ से हो आप? कोटा कोटा कहाँ से हो आप? कोटा से? क्या बात है, नहीं कोटा तो में तो मेरे गुरुजी भी रहते हैं। कुनेरी कुनेरी हाँ, खाना जानते हो आप? मैं गुरुदेव के आती हूँ वहाँ क्या बात कर रहे हो, अरे यार ये तो मतलब और भी पे। प्यारी बात है। क्या? फर्स्ट टाइम वहीं पे मिले थे आप। अच्छा, वाह यार क्या बात है। तो अब आप मुझे कपकेक तो नहीं सुना रहे, नहीं कोई और गाना सुना सकते हो आप हमको, हम सबको? अब आप ऐसे आए तो हम आपको जाने तो नहीं देंगे। देखिए चलो, नहीं, मेरी इतनी अच्छी आवाज नहीं है अभी। जैसी भी आवाज है आपकी ओरिजिनल वॉइस में, आप एक लाइन सुना दो कोई से भी गाने की। कपकेक, हाँ हाँ सुनाओ ना। रात को जो तू खाबले मैं खाब दू, मखमली सिरे तूने मैं बाज दू, इतना आता है बस। अरे परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा अंशिका आपकी आवाज सुन के, और आपकी आवाज में कपकेक सुन के। वाह यार, मुझे तो रेडियो जॉकी जैसा फील आ रहा है। वो रेडियो जॉकी में नहीं करते ऐसे, मतलब वो पूछते हैं कॉलर से, अच्छा कैसे हैं आप, ऐसे मतलब भारी सी आवाज, बढ़िया सी आवाज बनाते हैं और पूछते हैं अपनी तो क्या ऐसी गंवारों जैसी आवाज है मेरी, एकदम ही मतलब चलता है। चलो अंशिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और दोबारा थैंक मिलते हैं ओनली ऑन मोहित गॉड 7991। चलिए बाय। ठीक है, तो हमारी पहली कंटेस्टेंट अंशिका ने तो बहुत ही अच्छे से कपकेक सुनाया। शुरुआत में नहीं सुनाया लेकिन बाद में सुनाया। अब हम लाइव उसको लेंगे जो हमको सुनाएगा, कौन सा गाना? पलक कौन सुना सकता है? पलक कौन सुना सकता है? वो लाइव की रिक्वेस्ट अभी की अभी सेंड कीजिए और कमेंट में ऐसे बताइए पहले कि आप पलक गा सकते हैं। और रूल वही होंगे कि आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है और फिर गाना सुनाना है। कपकेक, ओ कपकेक नहीं, पलक, मैं हूँ वो पलक। जैनिश द म्यूजिशियन कह रहे हैं मैं सुनाता हूँ विद गिटार। क्या बात है जैनिश, आप पलक सुनाओगे हम सबको गिटार पे, वो भी अभी के अभी रिक्वेस्ट सेंड करो। पूजू सोलंकी कह रहे हैं आई एम बिग, अंकुश लबाना एड मी, म्यूजिक ड्रगर कह रहे हैं हे मोहित, हे म्यूजिक ड्रगर भाई, मैं गाऊं प्रियांशु, जो जो भी गा सकता है पलक वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें। प्रथमेश कोठाले कह रहे हैं वो सुनाएंगे, अनस्टेबल एंजल कह रहे हैं वो भी सुना सकते हैं, देखते हैं हमारे पास में किस किस की रिक्वेस्ट आई है। ता ता ता। क्या ये ऋतु है? ऋतु क्या आप हम सबको पलक गा के सुनाओगे? I नहीं, was preparing coffee. I didn't know you have taken me in. हाँ अरे मुझे लगा आपकी रिक्वेस्ट आई थी उसमें। I sent you, but I was not expecting this. अच्छा नहीं, अब तो हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, आपकी कॉफी को थोड़ा कीजिए वेट करने के लिए। और अब पक्का आप हमको कौन सा सॉन्ग सुनाओगे फिर? वही सुनाओगे, वही सुनाओगे, वही। पक्का. एक सेकेंड, मैं बस अपना तानपुरा लगा देती हूँ. ठीक है, एक सेकेंड, कैसे हो मोहित आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हो? कहाँ पर हो अभी? बैंगलोर मैं अभी बैंगलोर में, राजस्थान में नहीं आ पा रही. में? अच्छा, आपका घर कहाँ पे है? भिलवाड़ा, जहाँ पे अभी सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में? केस. जी, अरे हाँ यार, तुम कहाँ हो? भी चलो जयपुर आप ना? कोई ना, आप हाँ, मैं जयपुर आ गया था, और मैं आ गया था 19th of March को ही। थैंक गॉड. हाँ यार, मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि मैं आ पाया था जयपुर उस टाइम पे, नहीं तो पता नहीं मुंबई में मैं शायद अकेला पड़ जाता। और एग्जैक्टली
बस यार ऐसा मतलब मेरे को थोड़ा मतलब फील होता है कि यार जो लोग वाकई में अकेले पड़ गए होंगे, जो अपने घर नहीं जा पा रहे होंगे इस टाइम पे, उनको क्या फील हो रहा होगा। कि मुझे पता है कि मैं अगर इस टाइम मुंबई होता तो पता नहीं कैसे क्या 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 फील कर रहा होता अकेले वहां पे। और तो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, बहुत टेंशन हो जाती है यार कि क्या हो रहा है वहां पे, योर हाँ तबीयत मतलब एक्साइटेड है। सही बात। चलो अब आप ना ध्यान रखना खुद का, और अब आप हमको कौन सा वही सॉन्ग सुनाओगे ना गाके? मैं कुछ और गा लूं प्लीज, आप ही का गाना आपके सामने, ओ माय गॉड। अरे ऐसी बात नहीं है, हम मैं क्या वो थोड़ा तो सा वो कर रहा हूँ, मेरे गानों का प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, ऐसे सबको मेरे गाने गवा के जबरदस्ती। तो मैंने ऐसा वो मतलब कहा कि जिस जिसको जो जो मेरे सॉन्ग गा सकता है ना, वो ऐसे रिक्वेस्ट सेंड करो। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ, मतलब आपका कोई, आप मेरे को मेरा ही कोई गाना सुना दो ऐसे। प्रमोशन करते हो आपका, आपका वो जो बहुत अरे अच्छा यार गाना, बहुत 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 प्यारा गाना है, सच्ची बहुत प्यारा गाना। कौन सा? मैं हूँ वो पलक जो, हाँ आप गाओगे फिर वो वाला सॉन्ग? मैं कुछ और गा लूं प्लीज। हाँ चलो ठीक है, आप आपकी पसंद का गा लो फिर। सेकंड रुकिए, आपको आवाज आ रही है ना, इंटरनेट का इश्यू नहीं हो रहा है ना? इंटरनेट का इश्यू हो रहा है लेकिन आवाज आ रही है, मतलब ऐसा रुक रुक के हो रहा है, जैसे पिक्सेलेटेड आता है ना, तो वैसा आ रहा है सिग्नल, लेकिन हाँ आवाज आ रही है। चलो मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा चांदनी रोशनी आफताब सी पता है। चाह के भी ना मिले हैं दोनों की नजर, आसमाये में दोनों कब है मिले, दूरी आदम रात की है तना हो फासले, बेनाम सी ख्वाहिश आवाज क्या बात है, ना मिले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, थैंक यू थैंक यू बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही प्यारा, मतलब थैंक यू। कितनी प्यारी वॉइस है यार आपकी, और क्या गाते हो आप। मुझे ना, मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले इनको तब सुना था जब आपने मेरा वहीं का वो गाया था ना कवर, तो मैंने सबसे पहले इनको तब सुना था जब उन्होंने मेरा वहीं का कवर गाया था, और तब मैंने इनका स्टोरी में पोस्ट भी किया था, और बहुत ही खूबसूरत गाते हो यार आप, और बहुत ही अच्छा लगा आपकी वॉइस वापस से सुन के। और जिन जिनको इनका थैंक सॉन्ग पसंद आया उनको अभी के अभी जाकर फॉलो करो, उनके सारे सॉन्ग सुनो, मतलब यार इतनी इतनी टैलेंटेड इंसान है। तो बड़ा अच्छा लगा यार आपकी वॉइस वापस से सुन के, और नेक्स्ट टाइम जब भी अपन मिलेंगे या लाइव चैट पे मिलेंगे तो आप फिर पलक गाना हमारे लिए, ठीक है? यू, पक्का पक्का मोहित। और मीन वेल आप गा लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार कोई भी आपका सॉन्ग, कोई भी प्लीज अरे मैं गाऊं, प्लीज। मैं उगाता हूँ, कृष्णा से जाके कह दूंगी गाता हूँ, ठीक है? हाय प्लीज प्लीज। बहुत पसंद हो। माँ कहती रे पगली रे मिलते ना वो ठगती, रे दुनिया उसके नाम पे करती है काले काम रे उस माया नगरी में, और धुरत है सारी नगरी रे बाबा पहन के असली, रे चोगा फिरते नकली दिल और काले मन की पोटली उस माया नगरी में, रख लेंगे मेरा पूरा ध्यान रे वो है मोरे सैया, वारी हूँ मैं तन मन और जान रे
वो है मोरे सैया मोरे सैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू यू आर मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू यार, वापस से आपने इतना प्यारा गाना सुनाया हम सबको, और जल्दी मिलते हैं वापस से। बाय, टेक केयर, टेक केयर, यू टू, बाय बाय। क्या बात है यार, बताओ, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा गाते हो यार, बहुत ही प्यारा गाती हैं वो। और जिन जिन ने उनका सॉन्ग सुना और पसंद आया उनको प्लीज जाके फॉलो करना, और उनके बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे गाने सुनना। और यार बताओ यार, क्या चल क्या रहा है बताओ तुम्हारी लाइफ में, है अलग सा नहीं हो गया माहौल एकदम ही, कि खाली सड़कें हैं, एकदम ही खाली सड़कें। मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें अभी, मैं उठना नहीं चाहता इस जगह से, बढ़िया मेरे को फील आ रही है यहाँ पे। और अलग माहौल है। आकाश शर्मा, हेलो हेलो अनुष, प्लीज। श्रद्धा मोर्टल कह रहे प्लीज। अंजनी अग्रवाल, हाय। दिशा मुस्कान, जिंदगी रुक सी गई है, एकदम शांत सी हो गई है। मैं ना मतलब क्या कहूँ यार, मेरे को पसंद भी आ रहा है बेसिकली। मैं खैर जहाँ पे रह रहा हूँ अभी, है ना, तो यहाँ पे तो एकदम शांत सा है सारा माहौल। लॉकडाउन की वजह से कोई घर से निकलता भी नहीं है ज़्यादा, सड़कें भी खाली। छत पे आता हूँ तो एकदम सिर्फ पंछियों की आवाज़ आती है, जब सुन रहे हो तुम अभी तो सिर्फ पंछियों की आवाज़ आती है ऐसे। और मुझे तो मेडिटेशन करने में बहुत ही मजा आता है यहाँ पे। कई बार आकर मैं और मेरा भाई बस तारे देखते हैं छत पे बैठ के, गाने वाने थोड़े बहुत गा लेते हैं, वॉकिंग करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, और मैं मेडिटेशन करता हूँ सुबह, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को वैसे शांति और इस तरह का माहौल ना पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है इस वजह से, नहीं, वैसे भी जनरली मुझे बड़ी पसंद है शांत शांत वाली जगह। और मतलब मेरे को आप कहोगे कि किसी क्लब में जाके पार्टी करना ज्यादा पसंद करोगे या फिर किसी माउंटेन पे जाके या फॉरेस्ट में जाके ध्यान करना, मेडिटेट करना, तो मैं ये चुनूंगा मेडिटेट करना, हमेशा बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे बेसिकली ऐसे। साक्षी और कह रहे हैं आपको देखा तो फिर किसी को नहीं देखा, चांद कहता रहा मैं चांद हूँ मैं चांद हूँ। क्या लिखा है यार, बहुत ही प्यारा लिखा है आप, ये आपने लिखा है क्या? अगर आपने लिखा है तो भी बहुत खूब है, और अगर किसी और ने लिखा है तो भी बहुत खूब है। मतलब मुझे ना यार पोएम्स ऐसे बहुत पसंद है, पोएम्स पढ़ना, लिखना, सुनना, सुनाना। आप सब बताओ मुझे, आप सब में से कोई पोएम्स पढ़ता है? कोई किसी को पोएम्स पढ़ना पसंद है? अब जो नेक्स्ट, हाँ चलो पहले अनाउंसमेंट बाद में करूंगा, पहले मुझे बताओ किस किस को पोएम्स पढ़ना या सुनना या कहना पसंद है। क्या आप सिर्फ ऐसा मत कहना कि मुझे पसंद है, मुझे बताना है किस किस को क्या पसंद है। मतलब पोएट्री सुनना पसंद है, पोएट्री कहना पसंद है, या पोएट्री लिखते हो? मनु कह रही है हाँ मेरे को, हाँ बताओ क्या पसंद है पोएम्स में, सुनना पसंद है, लिखना पसंद है, कहना पसंद है? हाँ मुझे बहुत, यस यस सैशवी, मिस्टर सिंगर ऑफिशियल प्लीज मुझे सुनना। रियाज साइड देवी म्यूजिक जॉइन मी। शोएब खान कह रहे हैं शायरी का बहुत शौक है मुझे। वेडनेसडे सोल कह रहे हैं आई राइट पोएम्स। तो अब मैं चाहता हूं कि मुझे लाइव में वो इंसान ज्वाइन करे जो मुझे पोएम सुना सके, जो मुझे नहीं हम सबको पोएम सुना सके। और ठीक है, अब कौन कौन मुझे अभी के अभी पोएम सुना सकता है? मुझे पोएम सुननी है, बस बात खत्म, मुझे पोएम सुननी है, सुनाओ मुझे पोएम। कौन कौन सुना सकता है मुझे पोएट्री? वेडनेसडे सोल ने तो बताया था कि वो पोएम्स लिखती हैं, तो वेडनेसडे सोल आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। और कौन मुझे पोएम सुना सकता है, कौन कौन सुना सकता है? सूर्यवंशी, मनीषा, पल्लवी श्री, एबीवी के प्रोग्राम में, हाँ बिल्कुल मैं आया था, और मैंने कृष्णा से जाके कह दूंगी सॉन्ग भी सुनाया था आप सबको। त्रिलोक डिड आईटी, मैं सुना सकता हूँ। सर आई कैन ड्रीमर खुशी, ठीक है। तो अब हम लेते हैं लाइव
किसी ऐसे इंसान को जो हमें पोएम सुना सकता हो, दूजा रिक भी कहते हैं, वो पोएम सुना सकते हैं। लेट्स सी किस किस की लाइव रिक्वेस्ट आई है अभी। आई थिंक मैं इस पोएट को जानता हूँ, अगर ये पोएट आती हैं अभी, बहुत ही कमाल की पोएट है और इनका नाम है भूमि मलिक। ओह माय गॉड, हाय, कैसे हो भूमि? I'm good, how are you? मैं एकदम अच्छा हूँ। और मतलब मैंने देखा कि पोएम्स कौन कौन सुना सकता है, उसमें आपकी रिक्वेस्ट मेरे को दिखी और मैंने कहा तो इनकी पोएम्स तो सुननी है वैसे भी। और मैंने आपको बताया था कि मेरे को आपकी वाली पोएम बहुत पसंद आई थी जो अपने मॉम ने लिखी थी, माँ का नया घर। यस, बहुत, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव आई एम टॉकिंग टू यू। अरे यार भूमि, आप प्लीज अपने बारे में हम सबको बताइए ना, और फिर आपकी कोई पोएम सुनाइए ना हम सबको, प्लीज। Sure. So hi, my name is Bhumi. I'm from Chandigarh, and I write. I'm shivering right now. Okay. So actually, मैंने बहुत time हो गया कहीं पे perform नहीं किया, so. हाँ, मैंने भी कहीं पे perform नहीं किया, trust me. मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ. अभी क्या है, ये lockdown के जैसे सारी चीजें भी मतलब बंद हो गई हैं अभी, performance वगैरह सब. तो अपन को ना अपन इंस्टा लाइव पे परफॉर्म करेंगे अपने सब लोगों के लिए जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं, तो प्लीज कुछ सुनाइए ना भूमि। सो माँ का नया घर ही सुनाओ। ओके ओके, मैं भूल गई हूँ सारा, आई एम सो सॉरी, वेट, अरे कोई ना, गिव मी अ सेकंड। हाँ हाँ, Actually, can I recite some other poem, please? Please, जो आपकी इच्छा हो, जो भी आप चाहते हो। So, it's called Death Anniversary. Okay. मैं आज ठीक तो लग रही हूँ ना? Actually, आज हमारी एनिवर्सरी है। राघव और मुझे साथ रहते हुए अब एक साल हो गया है। उसकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, राघव का फेवरेट खाना, केक, बलून सब रेडी है। बस सुन, महाराज को याद ही नहीं है कि एनिवर्सरी आज हमारी। आज भी उसी कमरे में बंद है और बात भी नहीं करी। लगता है आज भी गुस्सा है। वो क्या है ना, एक साल पहले ही हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। मैंने जो किया वो गलत था, पर आप ही बताओ, अपने महबूब को किसी और की बाहों में देखोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। मैं उस दिन राघव से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने गई थी, उसे सब बताने गई थी, और वो उस लड़की से शादी की प्लानिंग कर रहा था। मैंने उससे प्यार से समझाया कि राघव किसी और का नहीं हो सकता है। वो मुझे घर से निकालने लगी थी, हमारी हाथापाई हुई और मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। और राघव, वो उसे बचाने जा रहा था, उसे तो शादी करनी थी ना उससे। मुझे कहने लगा कि भूल जाओ मुझे, मैं जब तक जिंदा हूं उसी का रहूंगा। तो मार दिया उसे, भागकर किचन गई, चाकू लिया और मार दिया उसे। I kissed him until he couldn't breathe. खैर, मैं भी ऐसे बातों में लग गई। राघव वो आज जैसा भी है मेरा है, और वो लड़की वो आज भी उसी कमरे में बंद है। उसके रूम में जाना है, सरप्राइज देना है। आज पूरा एक साल हो चुका है उसकी डेथ एनिवर्सरी को। थैंक यू, बाप रे, थैंक यू। ये एकदम ही अलग था है, मतलब थैंक यू सो मच, बहुत टाइम बाद फोन कर रही हूँ, लिटरली बहुत टाइम बाद। अरे यार, ये तो मतलब अलग लेवल पोएट्री थी। तो आपने जोकर की देखी है जो अभी रिसेंटली आई थी? तो मतलब उसमें जैसे उनका कैरेक्टर था ना, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एकदम अलग था वो। तो वैसे आपकी ये पोएम बड़ी एब्स्ट्रैक्ट थी, मतलब क्या कहूँ मैं, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना, मतलब अभी तक तो मैंने नहीं सुना था कि ऐसा भी इस सब्जेक्ट पे भी पोएट्री हो सकती है। तो बहुत ही कमाल भूमि यार, I can't believe this is actually happening. अरे यार, मतलब यार आपको देख के मतलब लगता नहीं, जब आप मतलब आप कितने इनोसेंट से लगते हो, मतलब आप बहुत ही इनोसेंट से लगते हो, लेकिन आपके जो थॉट्स थे और जो आपने जो सब्जेक्ट लिया, जो
नरेशन था वो एकदम ऐसा लगा कि आपके अंदर अलग ही दुनिया चलती है एक पूरी। तो मेरे ना बहुत ही, आप सब जानते होंगे गौरव गेरा भैया को, गौरव गेरा जो चुटकी और शॉपकीपर करते हैं, उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला था ना, तो मुझे यही लगा था उनको पहली बार देख के कि उनके अंदर क्या 100 100 इंसान बसते हैं क्या, क्योंकि वो चुटकी बजाते ही वो कैरेक्टर स्विच कर लेते थे। तो मुझे वैसा फील आपके अंदर, आप जो अभी पोएम्स नरेट कर रहे थे ना, अपनी पोएट्री नरेट कर रहे थे, तो वैसी आई कि आपके अंदर क्या कैरेक्टर चल रहा होगा कि आपने ये स्टोरी बनाई पूरी एकदम, बहुत ही कैन तगड़ी यार, मजा आ गया आई टेक द स्क्रीनशॉट? थैंक क्या। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। यू। ओके डन, थैंक यू सो मच फॉर यू आर मोस्ट एडिंग मी, वेलकम दिस एंड मींस अ थैंक लॉट। थैंक यू सो मच भूमि, आप लाइव पे आए और आपने इतनी अमेजिंग पोएम सुनाई, एंड यू आर वेरी एंड टैलेंटेड। प्लीज प्लीज कम टू चंडीगढ़ व्हेन दिस ऑल इज ओवर, आई प्लीज। होप यार जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, मेरी तो इच्छा है मैं सब जगह भाग जाऊं घूमने के लिए, लेकिन अभी सब आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जो भी है प्लीज आप घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ में रहिए, और जल्दी फिर से हम सब मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच भूमि, आप बहुत थैंक टैलेंटेड हो यू यार, फॉर हैविंग मी, थैंक यू और सो बहुत मच, अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी पोइम सुन के। बाय भूमि। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू। अरे वाह यार, बताओ यार कितने टैलेंटेड लोग हैं यार, कितने टैलेंटेड लोग हैं। तो आप सबको में से जिस जिस को भी भूमि की पोएम्स पसंद आई हो, आप उनको जरूर जाके फॉलो करना और उनकी पोएम्स सुनना, शेयर करना बहुत सारे लोगों के साथ में, जिनको भी आप चाहते हैं सुनाना। तो अब मैं आपको मेरी एक पोएम सुनाऊं क्या, आप सब सुनना चाहोगे? और पता नहीं चला यार, बातें करते करते अभी एकदम शाम से और गहरी शाम और रात की तरफ बढ़ रही है चीजें। और शिरेन मिर्जा मोहित, अरे शिरेन कैसी है तू? शिरेन मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है और बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस है, और आपने इन्हें बहुत ही शानदार वाले सीरियल में देखा होगा, ये है मोहब्बतें में। और शिरेन तू कैसी है यार बता, दीपक कालरा भी अपने आ गए हैं, बताओ यार अपनी पलटन है, ये अपनी मुंबई की पलटन है, दीपक कालरा शिरेन सारे अपने जिगरी दोस्त हैं, और शिरेन भी अभी मेरे साथ में जयपुर में ही है, मतलब वो उसके घर पे है, मैं मेरे घर पे हूँ, लेकिन हम जब भी मुंबई होते हैं हम मिलते रहते हैं। और शिरेन भी बहुत अच्छी पोएट है, दीपक कालरा को तो आप जानते हो, इतनी बार हमने ऐसे लाइव आए हैं, हमने पोस्टें करी है साथ में, इश्कन प्लग साथ में किया है, और दीपक ने तो क्या क्या कर दिया है भाई साहब, भाई अपना एंकर भी है, भाई अपना रैपर भी है, भाई अपना डांसर भी है, बहुत ही शानदार एक्टर तो है ही कमाल का। और शिरेन बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस है, बहुत ही अमेजिंग पोएट है, और मेरी बहुत ही लाडली दोस्त है, बहुत ही ज्यादा लाडली। तो कैसे हो तुम दोनों शैतानों, हैं कहाँ कहाँ पर हो अभी पड़े हुए, बताओ मुझे, लाइव आओगे साथ में? अरे यार पॉज हो गया क्योंकि बैटरी एकदम चली गई फोन की, बैटरी मतलब 20% का नोटिफिकेशन आ जाता है ना, ऐसा 20% होते ही। शिरेन आएगी क्या लाइव, बताओ मेरे को, है अगर आना हो तो एक बार यार रिक्वेस्ट सेंड कर। वो दीपक तू भी आ रहा है क्या लाइव, बता मुझे, नहीं तो यहाँ पे इतने सारे रुलाएगा क्या पगले साले, तू तो कमीना ही रहेगा ना। रुक जाओ चेक करते हैं अपन। ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहां, कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान, वो चली देखो प्यार की गली, उसे रोके ना कोई, वो चली मेरी जान। अपन कालरा जी को लेते हैं लाइव। शिरेन कहाँ चली गई तू यार, शिरेन रोके ना कहीं, वो क्या चली है बात है मेरी कालरा, तेरी भाई तेरी जान। तेरी टक्कर की दाढ़ी हो गई है मेरी भी। अरे तूने क्या कर दिया, तीन तीन दिख रहे भाई तू मुझे, मुझे लगा मेरे को नशे हो गए। यही तो मैजिक है कहाँ पर है भाई तू, दिल्ली है मुंबई है भाई, मैं दिल्ली आ गया भाई, घर आ गया मैं, भाई? बहुत सही, कब आ गया था दिल्ली तू? मैं आया था लॉकडाउन के एक दिन पहले। लॉकडाउन? भाई साहब, भाई बहुत ही सही टाइम पर तू पहुंच गया, मतलब एक तरह से भाई तू अतुल बहुत जी ही दिख रहा है जेन्युइन एकदम, टाइम, कभी मतलब तीन तीन हो जा मैं रहा है, कभी तू एकदम ही
तेरा मतलब मेरी भाई शक्ल का फिल्टर बदल रहा है भाई, एकदम ही अलग हो गया तू तो यार। तू तू बदल गया भाई, भाई दिल्ली देख जा रहे, दाढ़ी दाढ़ी देख भाई, तेरे भाई की दाढ़ी देख। रहे भाई। अपन कहीं गए नहीं है कटवाने के लिए, और मतलब मेरा तो यार जो मैं शेवर लाया था ना, बोला ट्रिमर जो लाया था खुद का इलेक्ट्रिक, उसका चार्जर भी मुंबई छूट गया। तो भाई अब कोई चारा ही भाई अपने तू पास में, अपन तो भाई ये बढ़ती रहेगी जब तक लॉकडाउन जिंदा है। मेरे पास तो ट्रिमर ही नहीं है, क्या बात कर रहा है भाई, तेरे मम्मी पास जिससे अपर लिप करती है मैंने उससे दाढ़ी बनाई है। भाई बहुत सही यार, तेरी बहुत एकदम बढ़िया लग रही है शेप में। और अपन तो खैर भाई हरपन मौला है। और बता भाई क्या चल रहा है, और दिल्ली के क्या हालात हैं अभी? दिल्ली के तो मेरे एरिया में तो लॉकडाउन ही है सब जगह। मैं तो ग्यारह हाँ दिन से घर से बाहर नहीं निकला हूँ, पिछले ग्यारह भाई दिन से मैं घर साहब, में ही हूँ। सामान लेने भी नहीं गया बाहर? हाँ भाई सामान लेने, मैंने वो पहले सामान से आया वामान था, घर वाले ले आए थे सामान, सब आ गया था। अरे वाह यार हाँ यार पूरा भाई पालन किया जा रहा है अब यार, बहुत। यही है यार, ये जल्दी से खत्म हो यार, बहुत ज्यादा ना दिमाग एकदम वो हो रहा है ना कैसा हो रहा है बैठे बैठे। हाँ ताले? तू तो ये दीपक, ये जो है ना, तू तो कभी नहीं बैठ सकता भाई घर में। मैं मेरे को तो तो देख सोच, कोई मेरा दिक्कत नहीं सोच। है। मैं हाँ हाँ मैं तो बता चुका हूँ ऑलरेडी कि मेरे को तो ना बड़ा पसंद है ऐसे शांति में बैठे रहना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना। और तो तू मेरे मुझे देखो तो मतलब, जानता ही है। हाँ तू तो साले एक जगह नहीं बैठा रह सकता, एक घर की तो अलग बात है। हर पार्टी में मतलब जिस जगह जाओ हर पार्टी में तुमको दीपक एक बंदा जरूर मिलेगा, दीपक कालरा भाई। अपना घूमने का बड़ा शौकीन है, लेकिन भाई को और कोई शौक नहीं है, भाई को और कोई गलत शौक नहीं है, भाई सिर्फ हाँ घूमने का ये शौक तो रखता है, है। पार्टियों में जाने का शौक रखता है। तो ये बहुत ही शानदार और बात है अपने भाई भाई शौक की। बंद हो गया, और भाई शौक बंद हो गया, शौक कैसे बंद हो गया? मतलब वही शौक बंद करवा दे, लॉकडाउन हो गया ना। हाँ भाई सारे शौक तेरे ना मतलब ताले लग गए हैं, अब तू बट घर पे तुम्हारे भी भाई नहीं ने, भाई रहेगा। मैं तू लॉकडाउन पे रात गर्मी में देख चिल, भाई। भाई मैंने घर के अंदर डीजे सेटअप बना लिया है, हाँ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। अच्छा मैं शाम को देखो कॉल करूंगा। ओ हो भाई पूरा डिस्कोथेक बना दिया मैंने। भाई साहब, तेरी जिंदगी डिस्को ठेकती, अब तूने मतलब घर को ही बना दिया 9 से 12 भाई। वहां पे पार्टी होती है, तो तू कभी भी आ जा भाई लाइव 9 से 12। यार अभी तो खैर घर के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा मुझे, और जैसे ही टाइम मिलता है ना भाई, वाह इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब मम्मी पापा भाई बहन हम पांचों मिल गए ना, टीवी वाह, कैसे वो मूवी चला लेते हैं, कोई कभी किसी एक की बारी होती है, हैं और मम्मी पापा, कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई। और कंपटीशन चलता है कि मेरी मूवी कल की मूवी से ज्यादा अच्छी थी, देख मेरी सजेस्ट करी हुई मूवी वाह तेरी मूवी से ज्यादा अच्छी है। तो भाई ऐसे कंपटीशन चल रहा है, उसमें तेरा भाई हमेशा हार रहा है। मुझसे पूछ ले, अगर मैं तेरे को मूवी बता दूंगा तू जीतेगा फिर। ठीक है, तो फिर तू आज मेरे को एटलीस्ट 10 मूवीज तो लिख कर दे दे, जो अपन को मतलब मैं तेरे को 10 मूवी लिख के देता हूँ कि मतलब तू 10 बार तो जीत जाएगा। हाँ ठीक है, तो भाई बस दस दस दिन और जीत के तो अपना लॉकडाउन हो गया पूरा खत्म। पूरा, एक बार वो गाना हो जाए यार अपना वही वही। रुक जा देखे। तुझे मेरा फेवरेट गाना तो पता है, वो हम लोग अभी गा नहीं सकते ना क्योंकि उसके वो हाँ नहीं यार है। अभी अभी तो वो तो क्या है, अपने बीच में ही रहने वाला है थोड़े दिन तक। बट गाइस मैं आप लोग को बताने चाहता हूँ, एक ऐसा गाना है, मतलब इसके सारे गाने सुपर हिट है, लेकिन एक ऐसा गाना है जो मेरे दिल के सबसे करीब है। जब वो गीत आप सुनोगे तो आपका दिमाग और मैं कुछ नहीं दे सकता। तो ये चलो सॉन्ग वही सॉन्ग ना इसलिए भी बहुत स्पेशल है मेरे और दीपक के लिए, क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जब आप वहीं का वीडियो देखोगे ना, जो फर्स्ट वीडियो आया था, तो उसमें मेरा भाई दीपक साथ में था, और उसने पूरे शूट में मेरी हेल्प करी थी। वो एक तरह से मेरा पहला थोड़ा सा मैं खुद से जो कर रहा था पहला अपने YouTube के लिए, थोड़ा होम अच्छा सा हम प्रोडक्शन, सोच होम रहे थे। हाँ प्रोडक्शन, खुद का प्रोडक्शन का होम थोड़ा उस तरह का प्रोडक्शन। शूट था। तो है ना भाई दीपक ने मेरी इतनी हेल्प करी हर चीज में, अरे यार और ये पूरे कहने की भाई बात पूरे है। टाइम साथ में रहा, अपनी शूट वूट छोड़ के मेरी शूट पर आया ताकि सपोर्ट कर सके। तो मेरी जान ये गाना अभी तेरे लिए और आप सबके लिए, और उसके लिए भी जिसके लिए मैंने लिखा था। जिसके लिखा था कितनों ने साचे रिश्ते धागे, रेशम सी डोरी खींचे बांधे, पर मैं न सुनता
तोड़ धागे छोड़ के पिंजरा पीछे मैं आगे अब बस यहाँ पे लगता नहीं हाँ मेरा दिल तो वही है वही मेरा दिल तो वही है वही जिस जगह मैं होता है ये मेरी फेवरेट लाइन है जहाँ कांधे जैसे कांधे पे मेरे रात के सोता है हाँ मेरा दिल तो वही है वही 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 मजा आ गया भाई बता यार भाई भाई लेकिन अभी तू सूरज और मैं रात का अंधेरा हो गया हूँ मतलब आए, आए, आए। मैं रात का काला देख भाई रात का अंधेरा अरे 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 भाई क्या से क्या हो गया मजा आ गया मजा आ गया भाई मजा आ गया चल तू ख्याल रख अपना और मिलते हैं बहुत जल्द अपन धन मेरी जान लव यू भाई टेक केयर बाय बाय वाह वाह मजा आ गया और अपने दोस्तों से ही बात हो गई आप सबसे ही बात हो गई मेरी और अब टाइम है अपने जाने का क्योंकि रात इतनी हो गई कि थोड़ी सी देर में और रुका तो मेरा चेहरा भी नहीं दिखेगा और ब्लैक टी शर्ट और पहनी है मैंने तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ बात कर रहे हो किससे बात कर रहे हो बस हमारी आवाज ही हमारी पहचान है घर याद है मम्मी ने अभी थोड़ी देर पहले पूड़ी वगैरह खिलाई थी बढ़िया मम्मी के हाथ की पूड़ी सब्जी खाकर आया हूँ देखो मैं तो अपन वापस से जल्दी मिलेंगे लाइव पे पर जाने से पहले मैं आप सबको एक पोयम सुनाऊं या गाना सुनाऊं आप बताओ जो आप सबकी पसंद का कोई भी या तो मैं पोयम सुना सकता हूँ या फिर आप सबको एक सॉन्ग सुना सकता हूँ मेरा पोयम भी अपनी सॉन्ग भी अपना बस बताओ क्या सुनना है प्रिया तृष्णा कह रहे हैं डोंट गो शाइनिंग शेड्स कह रहे हैं बाय किट्टू कह रही है वापस आना प्रवीण मालवीय कह रहे हैं भाई प्लीज इशिता काला कह रही है हाय हाय इशू कैसी है तू अग्रवाल कृतिका लव यू सर आई लव यू टू यार और द व्हाइट आईज कह रहे हैं सॉन्ग सुनना है उनको इट्स निक कह रहे हैं सॉन्ग कपकेक सॉन्ग सॉन्ग सर मैं बताऊं स्मिता हाँ स्मिता बताओ दुजारिक को भी सॉन्ग सुनना है नैना माथुर को भी सॉन्ग सुनना है तो मैं आप सबको सुनाता हूँ देखो अपन देखते हैं कि मैं हूं वो पलक जो तेरी मासूम सी आंखों से टूटे फिर ये रे और देखते ही हाथों की हथेली से सपने लेके वो तेरे उड़े मैं हूं वो पलक जो तेरी मासूम सी आंखों से टूटे फिर गिरे तो ये अपना पलक सॉन्ग था और थैंक यू सो मच यार आप सब आए लाइव पे तो जितने भी लोग अभी लाइव है उन सबको तो लाइव थैंक यू है और जितने भी लोग अगर बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनको बाद में वाला थैंक यू है और आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेफ रहिए अपने घर में रहिए और जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ आप घर से बाहर मत निकलिए ये अभी बहुत ही क्रूशल टाइम है ना सिर्फ आपके लिए आपकी अपनी फैमिलीज के लिए मेरे लिए बल्कि पूरे अपनी कंट्री के लिए अगर हमने इसको साथ में नहीं फाइट किया ना तो यार थोड़े मुश्किल चीज़ें हो सकती हैं तो लेट्स सपोर्ट ईच अदर लेट्स सपोर्ट आवर कंट्री और
आई फील पहली बार ऐसा हुआ है कि यार अपन सब ना साथ में आ गए, ना सिर्फ आप मैं ना सिर्फ आप मैं और अपनी कंट्री, बल्कि पूरी दुनिया, पहली बार पूरी दुनिया ना साथ में मिलकर कुछ कर रही है, वो कर रही है इस कोरोना वायरस से लड़ाई। तो ये हमको साथ में ही करना है, इस यूनिटी को बरकरार रखना है यार, और हम जरूर इसमें से बहुत अच्छे से जीत के निकलेंगे बढ़िया तरीके से। तो आप सब प्लीज ध्यान रखना आपका, अपने साथ वालों का, अपने परिवार का, अपने आसपास वालों का, और जिसकी जितनी हेल्प कर सकते हो, जिस तरह से भी कर सकते हो, जरूर करना। ये मौका है, मतलब ये आई मुझे ऐसे फील होता है कि ये वो मौका है हम सबके पास में, कि इससे ना हम सब इंसान, एज ह्यूमन बींग्स, हम सबका बेस्ट भी देखने को मिल सकता है और हम सबका वर्स्ट भी। तो आई होप इस सिचुएशन में हम सब अपना बेस्ट ही दिखाएं और जितना हमसे हो सकता है बेस्ट वो करें। तो प्लीज टेक केयर एंड आई विल सी यू सून, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बहुत सारा प्यार है तुम सबको, और क्यों ही तुम अपनी फैमिली हो रहे, मेरी फैमिली हो तुम सब। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।